किसान की बिल्ली की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जो खेती करने में काफ़ी होशियार था और उसके पास और किसानों के मुकाबले ज़्यादा अनाज होता था और वह अपने अनाज को लंबे समय तक रखने के लिए उसने एक छोटा सा गोदाम बनवाया था। लेकिन कुछ ही महीनों में उस गोदाम में बहुत सारे चूहे भी आ गए थे। उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए किसान एक बिल्ली लेकर आया और कुछ ही दिनों में उस बिल्ली ने बहुत सारे चूहों को मार दिया। बिल्ली के डर से बाकी के बचे हुए चूहों ने फैसला किया कि अब वह अपने बिल से बाहर नहीं निकलेंगे। अब चूहे ना मिल पाने की वजह से बिल्ली समझ गई कि चूहों ने अपने बिलों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। चूहों को बाहर निकालने के लिए बिल्ली ने एक योजना बनाया। वह उस गोदाम के दरवाजे पर चढ़ गई और वहां से नीचे कूद गई और मरने का नाटक करने लगी। बिल्ली के गिरने की आवाज़ सुनकर एक चूहे ने अपने बिल से बाहर झांका और बिल्ली को गिरा हुआ देखा और जोर से बोला, इस बात में कोई शक नहीं कि आप बहुत चालाक हैं, लेकिन आप चाहें तो खुद को किसी अनाज की बोरी में भी क्यों ना छुपा लें, हम फिर भी अपनी बिल से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे और आप हमें चाह कर भी पकड़ नहीं सकती। यदि आप समझदार हैं तो आप उन लोगों से कभी दोबारा धोखा नहीं खाएंगे जो पहले भी आपका नुकसान कर चुके हों।